नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन का किया उद्घाटन। 4.5 लाख परिवारों के घर बनवाने का लिया बड़ा फैसला। वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा धर्मशाला में वैश्विक सम्मेलन ये कल्पना नहीं सच्चाई है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे ने की बैठक। विधायकों ने शिवसेना प्रमुख पर छोड़ा सरकार बनाने का फैसला। बैठक में शिवसेना के विधायकों को दी गई सख्त हिदायत, कहा जब तक पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती ना करें बात। मातोश्री में बैठक के बाद शिवसेना के विधायकों को भेजा होटल। विधायक बोले कोई माई का लाल हमें तोड़ नहीं सकता। संघ प्रमुख भागवत से मिलने नागपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बोले महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना से हो रही है बात। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच नितिन गडकरी की हुई एंट्री। शिवसेना की नाराजगी की भेंट चढ़ सकते हैं सीएम फडणवीस। तुरंत सुनवाई वाले मामलों से हटे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, कार्यकाल के 5 दिन शेष, अयोध्या पर कल दे सकते हैं फैसला। अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बोला हमला, का देश में रोजगार घटने से जनता पस्त, मोदी सरकार मस्त। कार्य क्षमता भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 7 पुलिस अधीक्षकों को जबरन किया गया रिटायर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। श्रीनगर में ट्रांसपोर्ट और टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह से ठप। गुजरात में भाजपा सरकार ने खरीदा 191 करोड़ रुपए का विमान। सीएम रूपाणी समेत राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री करेंगे इस्तेमाल। गेस्ट हाउस कांड में मायावती ने मुलायम के खिलाफ वापस लिया केस। मामले ने दोनों नेताओं को 24 साल तक बनाए रखा दुश्मन। अयोध्या मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, का हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया जाए सम्मान। सर्दियों में घने कोहरे को लेकर इंडियन रेलवे ने की खास तैयारी। ट्रेनें देरी से चलने पर यात्रियों को आएगा SMS अलर्ट। राजस्थान में कानून व्यवस्था के मद्देनजर सीएम गहलोत ने की बैठक। आला अधिकारियों को हर संभव कदम उठाने के दिए निर्देश। पीएम मोदी की तर्ज पर सीएम छत्तीसगढ़ रेडियो पर जनता से करेंगे बात। रविवार 10:30 बजे अपनी बात मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम होगा प्रसारित। झारखंड चुनाव में भाजपा ने दिया आपकी बार 65 बार का नारा, का झारखंड में एक बार फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। करतारपुर पर इमरान खान के फैसले को पाकिस्तानी सेना ने पलटा, का भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के लिए पासपोर्ट जरूरी। करतारपुर जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए सीएम खट्टर का ऐलान, का हरियाणा से जाने वाले सिखों का सारा खर्च उठाएगी सरकार। अमिताभ बच्चन ने प्रशंसकों के साथ साझा की सेहत संबंधी जानकारी, बोले डॉक्टर चाहते हैं कि काम से कुछ समय के लिए बनाऊं दूरी। उपराष्ट्रपति ने आपदाओं से जीवन के बढ़ते नुकसान पर जताई चिंता, बोले आपात चिकित्सा के लिए भारत में भी मिलना चाहिए लाइसेंस। वकीलों पुलिसकर्मियों के बीच झड़प के समय 30,000 में थे कुलदीप सेंगर, अधिकारियों ने दी जानकारी, हवालात में बंद थे लगभग 140 कैदी। लगातार 4 दिन कामकाज से दूर रहे साकेत जिला के वकील, मुकदमा लड़ने वाले लोगों का फूल देकर किया स्वागत। एयर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने के बारे में कतर एयरवेज का बयान, सिंगापुर और लंदन में रोड शो के बाद कंपनी लेगी इस पर फैसला। महाभियोग पर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने किया दोबारा जीत का दावा, बोले 2020 के चुनावों में नहीं जीता तो देश अवसाद की ओर बढ़ जाएगा। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर ली शपथ, बोले यह एक सम्मान, सदन की गरिमा को हमेशा रखेंगे बरकरार। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने मनमोहन सिंह को सौंपा चांदी का छत्र, करतारपुर साहिब में चढ़ाने के लिए दिया रुमाला। गोवा के राजभवन आने के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी जरूरी, सत्यपाल मलिक की सुरक्षा कारणों से लेनी होगी पुलिस की इजाजत। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं को नगर निगम प्राधिकरणों को दिया निर्देश, का सार्वजनिक जगहों पर और अधिक बनाए जाएं शिशु स्तनपान कक्ष। दुबई के स्वास्थ्य मंत्री से मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने की मुलाकात, प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में दुबई से निवेश बढ़ाने को लेकर की चर्चा। उत्तराखंड राज्य स्थापना सप्ताह में अल्मोड़ा पहुंचे किरण रिजिजू, केंद्रीय खेल मंत्री ने युवाओं को खेल के प्रति बढ़ावा देने का किया वादा। हिमाचल की इन्वेस्टर्स मीट में सीएम जयराम ने किया ऐलान, बोले केंद्र सरकार की मदद से टूरिज्म हब बनेगा हिमाचल। आकर्षण राष्ट्र होगी सूरजपुर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की थीम, उज्बेकिस्तान की थीम को सीएम खट्टर ने दी मंजूरी। सीएम खट्टर ने उज्बेकिस्तान के मौजूद संबंधों पर दिया जोर, बोले दोनों देशों की कला और संस्कृति मेले का बढ़ाएंगे आकर्षण। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रदूषण के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, भगवान शंकर को मास्क पहनाकर जताया अपना विरोध। अमेरिकी विश्वविद्यालय और कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज ने किया समझौता, अनुवांशिक परीक्षणों पर दोनों संस्थानों के वैज्ञानिक करेंगे रिसर्च। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित, बोले पहले सिख गुरु ने समानता, दया और प्यार का दिया संदेश। आंध्र सीएम जगनमोहन रेड्डी ने की शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक, बोले राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर पर स्कूलों में कार्यक्रम होंगे जरूरी। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर सीएम पटनायक का ऐलान, बोले जांच और इलाज के लिए सुविधाएं देगी ओडिशा सरकार। JEE मेंस में हिंदी अंग्रेजी के साथ जुड़ी क्षेत्रीय भाषा गुजराती, सीएम ममता बनर्जी बोली सभी क्षेत्रीय भाषाओं को किया जाए शामिल।
कानून व्यवस्था लागू करने में महाराष्ट्र अव्वल तो यूपी फिसड्डी। टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन पर सांप के टहलने से मचा हड़कंप, वन अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म से सांप पकड़कर जंगल में छोड़ा। वित्त मंत्री सीतारमण ने की एफएसडीसी बैठक में अर्थव्यवस्था की समीक्षा, वित्तीय क्षेत्र के संकट पर शीर्ष बैंक अधिकारियों के साथ की चर्चा। 24 नवंबर को होगी अन्नाद्रमुक की कार्यकारी और महापरिषद की बैठक, सीएम पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम ने की घोषणा। राजकोट में आज भारत बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला, मेहमानों से हिसाब चुकता करना चाहेगी टीम इंडिया। साइक्लोन के अलर्ट के बीच क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, राजकोट में चक्रवाती तूफान महा का नहीं होगा कोई असर। तीसरे और अंतिम वनडे में भारतीय महिला टीम की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराकर 2-1 से जीती सीरीज। वेस्ट इंडीज ने 50 ओवर में सभी विकेट खोकर बनाए 194 रन, जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। स्मृति मंधाना ने खेली 63 गेंदों में 74 रनों की जोरदार पारी, झूलन और पूनम ने 2-2 खिलाड़ियों को किया आउट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।